हाय गाइस, मैं हूं मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पोकी मेक जिंदगी, जहां बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, दिस इज द आई थिंक लास्ट वीडियो ऑफ द फेस्टिव सीजन। इसके बाद वेडिंग सीजन आएगा और उसके वीडियोस में बनाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी तैयारियां चल रही है दिवाली की? जस्ट 3-4 दिन दूर है दिवाली जब मैं वीडियोज़ रिलीज़ करूँगी। आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 3 दिन होंगे बस। एंड कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? हाउ इज़ योर फेस्टिव सीजन गोइंग ऑन? सो आज का जो वीडियो है ना गाइस, वो दैट इज़ ऑल अबाउट फेस्टिव पीआर। मुझे बहुत सारा आता है हर फेस्टिव सीजन में, सो आई थॉट बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें थी। सो लेट मी शो यू वन बाय वन मुझे क्या क्या आया इन द पीआर फॉर द फेस्टिव सीजन, स्पेशली दिवाली के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इज़ दिस ब्यूटिफुल मलबल चंदेरी चिकनकारी सूट। दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड रेसा लेबल। बहुत ही ब्यूटिफुल चिकनकारी आउटफिट्स बनाते हैं स्पेशली फॉर द पार्टी सीज़न, चाहे साड़ीज़ हो, सूट्स हो, अनारकलीज़ हो, लहंगे हो। सो ये बहुत ही प्यारा पर्ल वर्क वाला और चिकनकारी वर्क वाला मलमल चंदेरी का कुर्ता है। और ऐसे पीसेस जो होते हैं ना, टाइमलेस होते हैं, इनको आप कभी भी पहन सकते हैं, इनका ट्रेंड आता और जाता नहीं है। चिकनकारी इज़ माई पर्सनल फेवरेट, और 2-3 ब्रांड्स हैं इसमें जो मेरे फेवरेट हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। बहुत ही ब्यूटिफुल ये जो है कुर्ती है। इसमें अंगरखा पैटर्न में आगे जो है चिकनकारी हो रखी है, एंड इसमें जो है दीज आर द पैंट्स जो आई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट फैब्रिक है, एंड दिस इज द दुपट्टा। दुपट्टा इज इन मलमल चंदेरी। सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट मैंने ये पहना था अपने रील में। बहुत लोगों ने इसे पूछा था कि कहाँ से लिया, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। स्पेशली सबको पता है कि येलो इज़ माई हैप्पी कलर, आई लव टू वेयर येलो। मतलब अगर मैं उदास भी हूँ और येलो पहन लूँ तो मैं एकदम से खिल उठती हूँ। ऐसा असर होता है येलो का मुझ पर। सो आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ऐसा जिससे आपका मूड जो है अपलिफ्ट हो जाता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट जो मुझे पी आर में आया। ओके, सेकेंड आउटफिट इज दिस रेडी टू वेयर साड़ी जो मुझे भेजी है दिस ब्रांड लावण्या लेबल ने। लावण्या इंडो फ्यूजन और इंडियन आउटफिट्स बहुत बनाते हैं स्पेशली फॉर द पार्टी सीजन। सो ये इस तरह के रिंकल फैब्रिक में है, रेडी टू वेयर है, जो प्लीट्स बनी होती है। आई लव रेडी टू वेयर साड़ीज बिकॉज बहुत ही क्विकली बन जाती हैं। सो क्विकली दिखाती हूँ मैं, इस तरह की है ये। मतलब इसमें पेटीकोट पहनने की भी जरूरत नहीं है, लाइनिंग है और इस तरह ये बन जाता है। मैं साइड में लगा दूंगी इसको पहन के, मैंने अभी शूट किया है इसलिए इसमें तय नहीं लगी हुई थी। एंड इसमें जो है आगे से प्लीट्स बनी हुई है तो ये बंद हो जाती है। इसमें 2 हुक्स दिए हैं तो अपने वेस्ट साइज़ के हिसाब से आप बंद कर सकते हैं इसमें या इसमें। तो इसमें ये हुक लग जाता है एंड आराम से जाती है, एंड देन पल्लू आप कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये रेडी टू वेयर ब्लाउज आया है। सो इसको मैंने मीडियम साइज़ उनको बोला था कि मेरा है, तो उन्होंने मीडियम साइज़ में भेजा है। इसमें एक ब्यूटीफुल बेल्ट भी आई है। सो दिस इज़ द बेल्ट जो आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें नीचे बीड्स भी लटकी हुई हैं, सो इससे जो ओवरऑल लुक है बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत सारी शादियाँ अटेंड करनी है मुझे, और मैंने जब अपनी सासू माँ को ये साड़ी दिखाई थी, उन्होंने कहा मेरे घर बहुत अच्छी लग रही है, तो कहीं पहन लेना इसको, काफ़ी अच्छा गेटअप आ रहा है। सो आई थिंक मैं इसे किसी शादी में पहन लूँगी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। सो दिस वॉज द सेकेंड आउटफिट दैट आई गॉट इन पी आर। ओके, थर्ड मुझे एक ये लहंगा सेट आया। दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड रागवी जयपुर। ये सिल्क फैब्रिक में है लहंगा, ब्लाउज एंड दुपट्टा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शन दिए थे, बट मैंने ये इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई लव सॉलिड आउटफिट्स, क्योंकि इनको मैं बहुत तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। अगर मैं कोई फ्लोरल प्रिंट या कुछ और करती तो वो एक बार दो बार पहनने में अच्छा लगता है, बट फिर वो ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं होता, फिर वो वार्डरोब में बड़े दुख होता है यार, पड़े पड़े रह जाते हैं कपड़े, तो आई डोंट लाइक इट। सो दिस इज़ द स्कर्ट, बहुत ही प्यारी ये स्कर्ट है, और मतलब लहंगा स्कर्ट है। इसका जो ब्लाउज है वो भी बहुत ही प्यारा है। सो दिस इज़ द ब्लाउज, स्वीट हार्ट नेक में है, एंड इसकी बैक ऐसी है सर्कुलर, एंड इसका ये दुपट्टा है। सो हल्के ओकेजन्स में पहनने के लिए बहुत ही प्यारा ये लहंगा है। मैंने इसको इसके साथ भी पहना है, इस दुपट्टे के साथ। मैंने इसको अपने हैवी दुपट्टे के साथ भी पहना है, और इसकी जो स्कर्ट है मैं इसको शर्ट के साथ भी पहन सकती हूँ, श्रक के साथ भी पहन सकती हूँ, एथनिक जैकेट या ब्लेजर के साथ भी पहन सकती हूँ। इतनी सारी स्टाइलिंग आ रही है दिमाग में, केप भी पहन सकती हूँ। तो दिस इज़ सच अ वर्सेटाइल आउटफिट, आई रियली रियली लाइक इट। एंड ब्लू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का रॉयल ब्लू, बिकॉज इट लुक ग्रेट विद येलो, पिंक, बेज, गोल्ड, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। सो लव दिस आउटफिट। थर्ड मुझे जो स्कर्ट आई है, दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड आई एम बाय डॉली जैन। डॉली जैन आपको पता है बहुत ही फेमस ड्रेप आर्टिस्ट हैं, साड़ी ड्रेप आर्टिस्ट, और उन्होंने जो है उनकी लाइन है लाइन ऑफ पेटीकोट्स, जिनको आई थिंक डी कोट्स बोलते हैं। बहुत ही
कंफर्टेबल पेटीकोट्स हैं वो, और इनकी ये प्रीमियम रेंज की स्कर्ट्स हैं जो आप लहंगे की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे पिछले साल एक बेज जो है स्कर्ट भेजी थी जो बेल टाइप के शेप में थी, एंड दिस इज़ घेरे वाली स्कर्ट टाइप शेप में, तो इसको लहंगे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको साड़ी के साथ, श्रक के साथ। मैंने इसकी भी एक रील बनाई है, मैं यहाँ भी लगा दूंगी कि मैंने इसको कितने वेज में स्टाइल किया है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इनकी बहुत ही प्रीमियम जो है क्वालिटी की स्कर्ट होती हैं, एंड इसके नीचे कैन कैन भी है जो इसको अपने आप बहुत ही अच्छा घेरे वाला लुक देता है। तो अगर आपको शादियों में किसी अच्छी स्कर्ट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपका मन हो किसी लग्जरी स्कर्ट में इन्वेस्ट करने का, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। मुझे इनकी स्कर्ट बहुत अच्छी लगती है। इनके यहाँ बहुत ही कंफर्टेबल एक ड्रॉ स्ट्रिंग होती है, तो पेट पे चुभती नहीं है, बिकॉज कई बार फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो अगर आप बैठे पूजा में या कुछ घर की शादी हो तो वो अच्छे नहीं लगते, बट इनकी स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, आई जस्ट लव देम। तो पिछले साल मैंने ये वाइट स्कर्ट पहनी थी इनकी, बेज विद साड़ी एंड विद दुपट्टा ब्लाउज, एंड इसको भी मैंने बहुत वेज में स्टाइल किया है, साड़ी के साथ दुर्गा पूजा भी लुक क्रिएट किया था, सो दिस इज रियली रियली नाइस, आई लव इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव नवू के लिए बहुत सारे आउटफिट्स फ्रॉम दिस ब्रांड नाइशा जयपुर। नाइशा उनके लिए हमेशा नवू के लिए बहुत सारे आउटफिट्स देता है, स्पेशली फॉर ऑल फेस्टिवल्स। सो ये वाला मुझे फर्स्ट आउटफिट बहुत ही प्यारा लगा, और मैं उसे ये आई थिंक दिवाली पे ज़रूर पहनाऊंगी मैंने सोचा है, बिकॉज बहुत ही प्यारा है। दिस इज़ दिस जैकेट, वेरी वेरी लवली, एंड दिस इज़ द फ्रॉक, बहुत ही प्यारा स्टाइल है, नवू को भी बहुत पसंद आया है, और मैंने इसे रख लिया है फॉर दिवाली, तो मैं उसे ये दिवाली पे पहनाऊंगी, वेरी वेरी क्यूट। सेकेंड आउटफिट जो है ये है, मैंने उसको ऑलरेडी उसके स्कूल में दिवाली पार्टी थी उसमें लास्ट वीक पहनाया था, सो दिस इज़ अ फ्लोरल फ्रॉक, प्योर कॉटन फैब्रिक है दोनों आउटफिट्स, विच आई लव, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे प्योर कॉटन ही अच्छा लगता है, चुभने वाले फैब्रिक्स नवू को बहुत अनकम्फर्टेबल रहते हैं। सो दिस इज़ द लेगिंग्स, सो ये भी बहुत ही प्यारा सेट था, एंड एवरीबॉडी लव्ड इट जब नवू ने पहना था। सो दीज आर द नवूज आउटफिट फ्रॉम दिस ब्रांड नाइशा फैब्रिक्स। नेक्स्ट We have another outfit for नवू। Yes, नवू has become a star। उसके लिए बहुत सारे brands अब जो है outfits भेज रहे हैं। So this is from this brand Halman Kids। बहुत ही प्यारा उन्होंने लहंगा भेजा था, मैंने नवू के साथ जो है रील की थी इस पर, बहुत लोगों को पसंद आया था। So this is the lehenga, very very pretty, बहुत ही प्यारा इसका print है, this is how the lehenga looks, and इसकी चोली भी बहुत प्यारी है, तो इसको भी जो है वेडिंग्स में पहना सकती हूँ मैं नवू को, अगर सर्दी होगी तो उसके अंदर एक स्की भी पहना दूंगी तो उसके साथ अच्छा लगेगा, पीछे टाई अप है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लगी घर में सबको ये ड्रेस, एंड नवू उसमें इतनी एक्साइटेड थी, मैं रील लगा दूंगी इसको पहन पहन के नाच रही थी, तो रियली रियली ब्यूटीफुल, थैंक्स हार्मन किड्स। नेक्स्ट वी हैव टू पार्टी बैग्स जो मुझे भेजे हैं फ्रॉम दिस ब्रांड स्मूथ बैग्स, तो एकता फ्रॉम स्मूथ बैग्स उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, वी वॉन्ट टू सेंड यू सम बैग्स, और दिखाई मुझे इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, वेरी वर्सटाइल, सारे मेरे वेडिंग आउटफिट्स के साथ, मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स के साथ चलेगा, बिकॉज उसमें गोल्ड है और उसमें पर्ल है जो मेरे मैक्सिमम आउटफिट्स में रहता है, इसमें भी है, इसके साथ भी चलेगा, एंड नेक्स्ट मेरे पास एक भी ब्लैक बैग नहीं था, सो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लैक बैग, ये मेरे कॉकटेल आउटफिट्स के साथ चलेगा, आई हैव ब्लैक साड़ीज, ब्लैक स्कर्ट्स, उसके साथ आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, वेरी वेरी नाइस, लव इट। लास्ट मुझे ये जो ब्रांड है स्पार्कल्स बाय अर्चना जो मुझे हमेशा ज्वेलरी भेजते हैं, उन्होंने मुझे भेजी है ये ब्रेड ज्वेलरी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर द अंबानी वेडिंग, क्योंकि आई थिंक जो अंबानी की छोटी बहू है उन्होंने राधिका मर्चेंट ने ये पहना था, एंड उसके बाद उस शादी में बहुत लोगों ने पहना था, लाइक जैकलिन फर्नांडिस, एंड आई थिंक जानवी ने भी पहना था, आई थिंक जेनेलिया डिसूजा ने भी पहना था, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने पहना था, और ये एक्चुअली साउथ इंडियन ट्रेडिशन में होती है, चोटी पे लगाते हैं ये, बट अब इसको नॉर्थ में भी बहुत पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी वेडिंग, सो दिस इज़ द लास्ट वन जो मुझे भेजा है स्पार्कल्स बाय अर्चना ने, देयर ज्वेलरी इज़ ब्यूटीफुल, आई स्पेशली लव देयर टेम्पल ज्वेलरी कलेक्शन। सो गाइज ये थे सारे फेस्टिव पीआर आइटम्स जो भेजे मुझे ब्रांड्स ने फॉर द फेस्टिव सीजन दिवाली, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द ब्रांड्स फॉर सेंडिंग मी दीज ब्यूटी
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइटम। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। इफ येस, इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक जिंदगी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस के लिए, मेरी पर्सनल अपडेट्स, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल। सो डू फॉलो मी देयर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।